जो हम लोग चला रहे हैं उसपे काफी डेवलपमेंट है अभी और काफी चीजें मैंने प्लान कर ली है। और ये चीज प्लानिंग पहले थी लेकिन मैंने सोचा था रिलीज किया जाए ऑन टाइम पे। तो एक वीडियो मैंने कल बनाया मेगा टेस्ट सीरीज पे कि जो आप लोग का मेगा टेस्ट सीरीज जून से स्टार्ट होगा। फर्स्ट जून मैं सोच रहा था लेकिन मैंने उसको 2 जून से किया। एक दिन और ब्रीदिंग टाइम आपको मिल गया बिकॉज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टेक्निकली और मेंटली आप कितने प्रिपेयर्ड हैं किसी टेस्ट के लिए। तो अभी जो टेस्ट सीरीज है उससे रिलेटेड कल के वीडियो के कंटिन्यूएशन में जो आपके डाउट्स हैं वो आज काफी क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा और आप सबको बेनिफिट करेगा, ये मेरा दावा है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। और इसमें मैं कंटेंट भी आपको बताने वाला हूं कि इसका सिलेबस क्या होगा टेस्ट का, और पहला टेस्ट क्या होगा, दूसरा टेस्ट क्या होगा, गैप कैसे बनाया गया है, क्या लॉजिक है उसके डेज ड्यूरेशन को फिक्स करने का कि पहला टेस्ट अगर है तो दूसरा टेस्ट उसके कितने दिन बाद होगा। तो इन सारी टेक्निकल बातों की डिस्कशन मैं आज करूंगा। तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, इससे काफी आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। और लाइक जरूर कर देना बिकॉज लाइक करने से वीडियो की थोड़ी हेल्थ और पॉपुलरिटी इन टर्म्स कह सकते हो बेटर हो जाती है। और इस वीडियो में जो आप लोग अगर कुछ लगता है कि कुछ मिसिंग है मेरी तरफ से, समथिंग इज नॉट देयर, तो प्लीज आप उसको बताना सो दैट मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ बिकॉज ऑनगोइंग प्रोसेस। और अगर आपके कुछ डाउट और ज़्यादा हैं तो आप बताना। और एक मैं आपको गूगल सीट भी दूंगा, उस गूगल सीट को आप फिल करोगे तो ये फाइनल इनरोलमेंट माना जाएगा आपका। इसके बाद अगर इनरोलमेंट से रिलेटेड कुछ फॉर्मेलिटी होगी तो इंडिविजुअली उन सारे स्टूडेंट्स को भेज दी जाएगी जो इंटरेस्टेड होंगे। तो इस वीडियो में मैं क्या कवर करने वाला हूं, पहला पॉइंट है व्हाट इज दिस मेगा टेस्ट सीरीज, ये है क्या। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट। तीसरा, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट ऑन 11th एंड 12th। चौथा है पार्ट टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट, जिसे हम मॉक टेस्ट भी बोलेंगे, वो कितने हैं। पांचवा, क्वालिटी ऑफ द टेस्ट। सिक्स है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है या अदर है, ऑफलाइन वर्सेस या ऑनलाइन है। मैं अब सीक्वेंस बोल रहा हूं, नंबरिंग नहीं बोल रहा हूं। एग्जामिनेशन सेंटर्स कौन कौन से हैं, फ्री है या पेड है, प्रोसीजर ऑफ इनरोलमेंट क्या है, और आखिर में इस पूरे टेस्ट का सिलेबस क्या है, कैसे कैसे टेस्ट का सिलेबस होगा। हालांकि ये मैं इस टेस्ट के डिटेल में बता दूंगा। तो पहला, व्हाट इज दिस मेगा टेस्ट सीरीज। मेगा टेस्ट सीरीज में हमने एक फाइनल, जब आप पूरी कोई भी प्रिपरेशन करते हो तो जब एक प्रिपरेशन फिनिश करते हो तो आपको रियल टाइम सिचुएशन में एक टेस्ट देना होता है जिसे हम मॉक टेस्ट कहते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट कहते हैं। और ये कोई भी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, इवन जो बड़े एग्जाम है लाइक आईआईटी जेईई, लाइक नीट, लाइक यूपीएससी, लाइक स्टेट पीएससी या एसएससी, ऐसे एग्जाम का फाइनल प्रिपरेशन आप सबको पता है कि टेस्ट सीरीज के थ्रू ही आगे बढ़ता है। और टेस्ट सीरीज आपके परफॉर्मेंस को पक्का कर देता है, एक मुहर लगा देता है, सील लगा देता है उसमें। और टेस्ट सीरीज कई बार आपकी कमियों को और टाइम मैनेजमेंट को पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये टेस्ट सीरीज है पूरा कुल मिला के 23 टेस्ट का। और इस टेस्ट सीरीज में हम कंप्लीट इंटायर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे। और इस पूरे टेस्ट सीरीज में हम 4,600 क्वेश्चन, 4,600 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और वो जो टेस्ट होगा 23 टेस्ट होगा, हर टेस्ट 3 घंटा 20 मिनट का होगा। तो इस तरह से आप ये अगर टेस्ट का ड्यूरेशन देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको लगेगा, 60-70 आवर्स का टेस्ट हो जाएगा जो आप दोगे। तो इसमें आपका दिमाग उतने टाइम तक बेस्ट वर्क करेगा, अपने बेस्ट पोटेंशियल पे काम करेगा। तो ये व्हाट इज मेगा टेस्ट सीरीज, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 23 टेस्ट होगा, ये सेकेंड हेडिंग मैंने दिया था, कुल मिला के 23 टेस्ट होंगे। फिर टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 11th एंड 12th में कितने होंगे, तो 12 टेस्ट पार टेस्ट होंगे। पार टेस्ट में हमने 6 टेस्ट 11th को दे दिया, 6 टेस्ट 12th को दे दिया। 6 टेस्ट जो होंगे में 5 टेस्ट होंगे पूरे 11th के सिलेबस को, मीन्स 11th के सिलेबस को हमने 5 इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, यानी 1/5 1/5 1/5 करके 5 भागों में बांट दिया है। और वो 5 टेस्ट होंगे। उसके बाद जो 6th टेस्ट होगा, 6वां टेस्ट होगा, दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 5। तो इस तरह से 11 सिलेबस पे कुल मिला के 5 टेस्ट हो गए। सिमिलरली फॉर 12th, उसमें भी 5 टेस्ट होंगे पार्ट सिलेबस के
और सिक्स्थ वन होगा कंप्लीट। पार्ट टेस्ट ज्यादा स्प्लिट करने का पर्पज है, पिछले वीडियो मैंने बताया था कि ज्यादा क्वालिटी न्यूमेरिकल्स आप कर पाओ, जिसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो, कुछ थोड़े मीडियम इंपॉर्टेंस वाले हो, कुछ थोड़े लेस इंपॉर्टेंस वाले हो, बिकॉज एग्जामिनेशन में हमें नहीं पता क्या पूछा जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट में हम ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही देते हैं चैप्टर के, बट पार्ट टेस्ट में हमें वो सारे चैप्टर को क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं, तो इसलिए पार्ट टेस्ट ज्यादा है। और पार्ट टेस्ट ज्यादा करने का मतलब ज्यादा आप चैप्टर के इन डेप्थ अंदर घुस के जाओगे, तैयारी करोगे, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू। अब पार्ट टेस्ट ये हो गया और फुल लेंथ हो गया। फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे कुल मिला के, अब पांचवा पॉइंट बोल रहा हूं, पार्ट टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट, फोर्थ पॉइंट है ये कुल मिला के पार्ट टेस्ट 12 हो गए, फुल लेंथ टेस्ट होंगे 11, 11 11 टेस्ट होंगे फुल लेंथ के। फुल लेंथ के टेस्ट ऐसे होंगे कि जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कंप्लीट सिलेबस से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वो 50 क्वेश्चंस में से आपको 45 क्वेश्चन करना होगा। ये मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, टोटल तो 200 होंगे जिसमें से आपको 180 क्वेश्चन करने होंगे। तो ये हो गया, और 11 के 11 मॉक पेपर होंगे। मीन्स आप अपने आप को रेट कर सकते हो उस टेस्ट से कि आपका आने वाले एग्जामिनेशन के लिए अभी आपकी कितनी प्रिपरेशन है और कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उसके बाद आ जाते हैं क्वालिटी ऑफ द टेस्ट। सी, क्वालिटी ऑफ द टेस्ट के लिए मैं इतना कह सकता हूं कि हर साल जो हम टेस्ट बनाते थे तो पुराने पेपर सबको मिला मिला के हम लोग पेपर बना देते थे रैंडमली सेलेक्ट करके। अभी इस साल मैंने अपने टीचर्स से ये रिक्वेस्ट किया कि सब लोग कुछ नया क्वालिटी का टेस्ट बनाए। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नया नहीं हो सकते क्योंकि मोर और लेस आप लोग इतनी डीप प्रिपरेशन करते हो कि आप सबको सारे क्वेश्चंस पता होते हैं, तो ऑलरेडी सीन क्वेश्चंस दिखेंगे आपको। लेकिन हाँ, ये है कि नया होगा ये पेपर, ये पुराने पेपर से कॉपीड नहीं होगा, तो कंप्लीट ये जो टेस्ट होगा वो नया होगा। उसके बाद आप लोग को इस ये जो टेस्ट होगा, अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी होगा या मिक्स होगा? तो ये स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी होगा, खासतौर पर बायोलॉजी विल नॉट डिफर फ्रॉम एनसीईआरटी, विल ट्राई टू इंश्योर कि 100% कंप्लायंस हो। बहुत अगर वर्स केस हुआ तो कुछ परसेंट में गड़बड़ी हो सकती है, और वही एरर फ्री टेस्ट बनाने की पूरी कोशिश है। अगर बहुत कुछ हुआ तो एकाध क्वेश्चन कभी हो गया 2-4%, लेकिन ओवरऑल एरर फ्री और एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज होगा, विच विल बी वेरी मच इसेंशियल एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अब आ जाते हैं क्वेश्चन, ऑफलाइन टेस्ट होगा या ऑनलाइन बेस्ट होगा? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं हमेशा ऑफलाइन टेस्ट की वकालत करता हूँ, ऑफलाइन टेस्ट की हम हमेशा बात करते हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन टेस्ट ही है जो हमें देना है। तो हम जब ऑफलाइन देना है तो ऑनलाइन प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कई बार कई सारे स्टूडेंट्स पैसा बचाने के चक्कर में, 1,000, 2,000, 10,000 रुपये बचाने के चक्कर में ऑनलाइन ज्वाइन कर लेते हैं। उन्हें लगता है चलो थोड़ा ही तो अंतर है, लेकिन वो थोड़ा उनकी लाइफ में बहुत बड़ा अंतर कई बार क्रिएट कर देता है। इमेजिन करो, अगर आपको MAMC दिल्ली मिल गया तो उसकी फीस ना के बराबर है, नेग्लेजिबल फीस है ही नहीं। यू कैन डायरेक्टली से कि कोई फीस ही नहीं है, फ्री में पढ़ रहे हैं। थोड़ी बहुत चैरिटी हम वीक दे देते हैं, जैसे अगर हम किसी को दे देते हैं, इतनी कम फीस है। और वहीं पे अगर आप किसी और गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाते हो, इवन उत्तराखंड आते हो, तो 4 लाख फीस हो जाती है। तो छोटा सा सेव करने के चक्कर में हम बहुत लॉस कर देते हैं। तो मैं सबको स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत मजबूरी हो तब ज्वाइन करो, अदरवाइज ज्वाइन मत करो। तो ये हो गया, ऑफलाइन टेस्ट होगा। अब ऑफलाइन टेस्ट में एक प्रॉब्लम है कि हमारे सेंटर्स सारे जगह नहीं है पूरे इंडिया में, लेकिन YouTube में हमारे स्टूडेंट्स तो कहीं से भी हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या करूंगा, ऐसे स्टूडेंट के लिए आप लोग जितने भी बच्चे एनरोल करोगे, उन सारे बच्चों को हम कॉन्टैक्ट करेंगे, और आपके व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल पे, वट एवर यू फील बेटर, उस पे हम आपको टेस्ट पेपर और OMR का स्कैन कॉपी मेल करेंगे। एंड आई वुड सजेस्ट यू टू जस्ट डाउनलोड इट, विल मेल आपको कुछ देर पहले हम मेल करेंगे, आप उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट ले लीजिए और OMR का भी फोटो कॉपी करा के रख लीजिए, और उस पर आप टेस्ट दीजिए, फोटो खींचिए और OMR हमें बैक कर दीजिए। देन वी विल मेक इवेल्युएट दोज टेस्ट पेपर्स, एंड ऑनलाइन वालों का एक सेपरेट रिजल्ट बनाएंगे और ऑफलाइन वालों का एक सेपरेट रिजल्ट बनाएंगे, फिर कंबाइन भी उसको करके दे देंगे आप लोग को। तो ये प्रोसीजर होगा, यानी ऑफलाइन नेचर का टेस्ट है, जो दूर दराज बच्चे बैठे हैं या इवन हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं जो ऑनलाइन ले रहे हैं, उनको भी हम PDF भेजेंगे, वो डाउनलोड करके ऑफलाइन टेस्ट देंगे और उसकी फोटो खींच के हमें भेजेंगे। दैट इज द रियल वे। फिर उसके बाद ऑफलाइन ऑनलाइन हो गया। अब एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ से हैं, कहाँ कहाँ हैं, तो एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में मैं
आपको अभी काफी कुछ तो बता देता हूँ, लेकिन आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा आप जहां जहां से हो मैसेज करिए। कोशिश रहेगा मेरी, लेकिन सारे जगह तो सेंटर है नहीं, कुछ ऐसा आपको नहीं बोल सकता हूँ कि आपको जाके वहां पे बुरा एक्सपीरियंस हो, मैं कहीं कोई अरेंजमेंट कर दूं। तो ये जो अभी सेंटर है मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो देहरादून है, हरिद्वार है, हल्द्वानी है, ये उत्तराखंड में हो गया, और यूपी में नोएडा, आगरा और शामली है, शामली वेस्ट यूपी का एक जगह है। हरियाणा में फरीदाबाद, करनाल और कुरुक्षेत्रा तीन जगह है, फरीदाबाद, करनाल और कुरुक्षेत्रा। उसके बाद पंजाब में लुधियाना है, झारखंड में बोकारो है, दो सिटी और हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आप भेजोगे हम आपको बता देंगे। छत्तीसगढ़ में भी हमारे पास तीन शहर हैं, भिलाई है और एक दो शहर और हैं जिसका मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं अगर आप लोग इंक्वायरी करोगे तो मैं बता दूंगा। मध्य प्रदेश में जबलपुर है, राजस्थान में जोधपुर है और तेलंगाना में हैदराबाद है, वाइजैक है, ये सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे ये टेस्ट हम कंडक्ट कराएंगे। तो इस तरह से एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको पता चल गया। अदर देन दिस आप लोग मेरे से पीडीएफ ले लोगे। अब ये फ्री है या पेड है? सो इट्स कंप्लीटली फ्री फॉर दोज हु स्कोर्ड 500 प्लस मार्क्स इन लास्ट ईयर एग्जामिनेशन नीट 2021 में, जिनके 500 प्लस मार्क्स थे जनरल कैटेगरी में, उन सबके लिए ये फ्री है, कंप्लीटली फ्री है। जनरल और ओबीसी में 500 से ऊपर आना चाहिए अगर आपके इतने हैं, तो आप अपने उस आंसर सीट का, उस रिजल्ट सीट का, उस जो आपका मार्कशीट था नीट का, उसको अटैच करोगे हमें हमारे फॉर्म के साथ, तो हम आपको ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज फ्री देंगे, इसमें 1 रुपया चार्जेस नहीं है। ये 500 से ऊपर ही हमें चाहिए। अगर आप SC ST हैं तो आपके मार्क्स 475 से ऊपर होने चाहिए, 475 यानी 25 मार्क्स रिलैक्सेशन है SC ST के लिए, इन बच्चों को हमारी तरफ से फ्री होगा। जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं और हमारे सेंटर पे आके टेस्ट देंगे, देहरादून सेंटर पे या कहीं भी सेंटर पे अगर आप आके टेस्ट देते हैं, तो उनकी फीस है 10,000 रुपीज़, बिकॉज हमें थोड़ा सा इसको, हम लोग एक प्राइवेट एंटिटी हैं तो वी हैव टू रन द शो, तो वहां पे हमें फीस चार्ज करना पड़ता है। तो 5-10 हज़ार रुपये फीस है उन बच्चों के लिए जो दूर दराज हैं और वहां से अटेंड करना चाहते हैं, या जो सेंटर पे आके अटेंड करना चाहते हैं किसी भी सेंटर पे जो मैंने बोला है, उनकी फीस है 10,000। तो ये पूरा आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बता दी। अब मैं बताने वाला हूं प्रोसीजर ऑफ द एनरोलमेंट। एनरोलमेंट का प्रोसीजर क्या होगा? एनरोलमेंट के लिए आपको एक फॉर्म अभी दे दे रहे हैं, ये प्राइमरी प्रोसीजर है, इसमें आप अपनी विलिंगनेस, अपने सिटी, सबके बारे में डिटेल कर दीजिए, मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी और ये कॉन्टैक्ट भी अगले 1-2 दिन में हो जाएगा, यानी आज अगर आप फिल करोगे तो आपको कल तक कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। और ये हम लोग ये विंडो ओपन रखेंगे, 2 तारीख से एग्जाम है तो करीब 25-27 तक भी ये विंडो ओपन रहेगा, और जैसा भी रिस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई लिमिटेड सीट वगैरह नहीं है, कितने भी लोग आ सकते हैं और कितने लोग भी लोग टेस्ट दे सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर ऑफ इनरोलमेंट हुआ। अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज का शेड्यूल क्या है, उस टेस्ट सीरीज में हम कैसे सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस पूरे टेस्ट सीरीज को बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है। पहला टेस्ट और दूसरे टेस्ट में 2-1 दिन का इंटरवल है, आज सेकेंड को पहला टेस्ट है, फिर अगला टेस्ट होगा 4 को, यानी 48 आवर्स के बाद, तो बीच में एक रेस्ट है। पार्ट टेस्ट में रेस्ट देने का पर्पज यही था कि बच्चा आराम से, 2-3 टॉपिक होंगे एक सब्जेक्ट के, उनको आराम से वो कवर करे। मैंने 12th फिजिक्स में काफ़ी रिलैक्स किया है और इजी इजी दिया, इलेक्ट्रोस्टैट्स का अकेला टेस्ट दे दिया, उसका पर्पज था कि बच्चा बड़ा टॉपिक है, मुश्किल माना जाता है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करे। ऑप्टिक्स को एक पूरा टेस्ट दे दिया, यानी 50 क्वेश्चंस फ्रॉम ऑप्टिक्स ओनली। मॉडर्न फिजिक्स को एक पूरा का पूरा टॉपिक दे दिया कि 50 क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स में आए। ये सब बहुत हेल्प करेगा आपको, आप विश्वास मानिए मेरी। पार्ट टेस्ट में हम लोग 1 दिन का गैप दे रहे हैं, उसके बाद 5 टेस्ट के बाद, आफ्टर 5 टेस्ट, 11 का कंप्लीट 11 का अलग से टेस्ट हो जाएगा, तो जो समराइज कर लेगा कि आप पूरे चैप्टर को एक साथ कैसे करेक्टराइज करते हो, ऐसे 12th शुरू होगा फिर उसका। अब इसमें सिलेबस, पहले टेस्ट का सिलेबस क्या है आप स्क्रीन पे देख लीजिए, दूसरे टेस्ट का सिलेबस क्या है स्क्रीन पे देख लीजिए, जब भी आपको सिलेबस देखना हो तो आप स्क्रीन को मेरे होल्ड कर लीजिए, तीसरे टेस्ट का सिलेबस क्या है स्क्रीन पे देखिए, फोर्थ टेस्ट का सिलेबस क्या है स्क्रीन पे देखिए, फिफ्थ टेस्ट का सिलेबस क्या है स्क्रीन पे देखिए, सेवन्थ टेस्ट का सिलेबस क्या है स्क्रीन पे देखिए, 8th का, 9th का टेस्ट का सिलेबस देखिए स्क्रीन पे, 10th टेस्ट का सिलेबस देखिए स्क्रीन पे, 11th टेस्ट का सिलेबस देखिए स्क्रीन पे और 12th टेस्ट का सिलेबस देखिए स्क्रीन पे। इसके बाद
हम स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट यानी फुल लेंथ टेस्ट जो स्टार्ट हो रहा है। पहला मॉक टेस्ट और आखिरी पार्ट टेस्ट के बीच में हमने रखा है गैप 5 दिन का, 24 के बाद सीधे सीधे 29। ये आपके लिए बहुत प्लान्ड वे में है कि आपको दिक्कत ना हो। जब आपका पार्ट टेस्ट खत्म होगा ना, उसके 5 दिन बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट शुरू होगा। और मॉक टेस्ट हमने एक लगातार रखा, 29 के बाद पहले के बाद मैंने एक को रख दिया, यानी आप उसके बाद फिर एक गैप ले लीजिए, क्योंकि झटका लगेगा आपका पेपर हो सकता है अच्छा ना हो। अभी तक पार्ट दे रहे थे, जैसे फुल दोगे आपका पेपर हो सकता है अच्छा ना हो। जैसे ही पेपर अच्छा नहीं होगा आपको सदमा लगेगा, आपको डर लगेगा, अरे ये क्या हो गया। फिर मैंने 2 दिन गैप दे दी, फिर आप एक को टेस्ट दो। लेकिन उसके बाद एक को टेस्ट देने के बाद अगला टेस्ट दो को है, फिर गैप दे दी 3 का, फिर 4 5, फिर गैप दे दी 6 7। बहुत ही साइंटिफिकली प्लान करके बनाया है, बहुत ही साइंटिफिकली प्लान करके बनाया है फॉर यू पीपल, कि आप कभी भी गड़बड़ ना करें और इससे आपको बहुत लर्निंग हो। मैंने अभी तक इतना बढ़िया शेड्यूल इससे पहले नहीं बनाया। आपको ये पूरा का पूरा शेड्यूल मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल है डीके मिश्रा फिजिक्स करके, लिंक मैं अपने एडिटर साहब से बोल दूंगा नीचे दे दें, उसके साथ जुड़िए। उस पर भी आंसर उंसर दूंगा मैं, उस पर सोल्यूशन का वीडियो दूंगा, तो वो आपको हेल्प करने वाला है लर्निंग में। शाम के 7 बजे रोज मैं काउंट डाउन वीडियो दे रहा हूँ। काउंट डाउन वीडियो में हर दिन एक टॉपिक पे मोटिवेशन होती है, छोटा वीडियो होता है 4 मिनट का 5 मिनट का, सब लोग देखो जरूर, उससे आपको हेल्प मिलेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक एवरीवन, मे दिस टेस्ट सीरीज हेल्प यू अ लॉट। जहाँ भी जितने भी 500+ वाले बच्चे हों सबको बोलो इनरोल करें, फायदा होगा, नुकसान नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी आप सबको। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वंस अगेन, चैनल पे बने रहिए।